जी आप क्रेन के इंचार्ज है एडवोकेट मेहुल बोगरा, आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इतनी सारी गाड़ी यहाँ पे रखी है जो गाड़ी के आपके स्ट्रक्चर के बाहर है, बाहर टांगी हुई है आपने। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, हूएवर ड्राइव्स और कोस टू ड्राइव एनी व्हीकल हैविंग लोड आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल शैल बी पनिशेबल फॉर द फाइन ऑफ ₹1000। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ी रख के गाड़ी चलाता है तो उसका ₹1000 फाइन होता है। आप एक गाड़ियां उठाते हो, किस लिए उठाते हो? कि नो पार्किंग में गाड़ी है, तो नो पार्किंग की गाड़ी उठा के आप खुद ही कानून का भंग कर रहे हो। अभी इस क्रेन की क्षमता 6 से 7 गाड़ियों की है, आपने कितनी गाड़ियां अंदर भरी है? 1, 2, 3, 4 और 4, 8 और 12 से 13 गाड़ी आपने भरी है, ठीक है? तो 6 की क्षमता है और 12 गाड़ी आप खुद ओवरलोड में चल रहे हो। आपका नाम क्या है? इंद्रजीत, आपका कंट्रोल रूम में फोन कीजिए, उनको बोलिए कि एडवोकेट मेहुल बोगरा है, गाड़ी ओवरलोड में है, गाड़ी में यहाँ से नहीं जाने दूंगा, पहले आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर चलाइए गाड़ी। इनका गाड़ी का नंबर है GJ6PA1142 राजन सिनेमा निकोल पे में हूँ। अभी कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, ठीक है? ये सब है कानून के रखवाले। जो गाड़ियां लेते हैं क्योंकि अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो हो जाती है। अच्छी बात है, नो पार्किंग में किसी को भी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, पहले लोड में कीजिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, गाड़ी आपकी लोड में कीजिए पहले। सुनिए, अगर आप ये ओवरलोडिंग में गाड़ी लेके जाएंगे, इसमें किसी की गाड़ी टकराएगी तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गाड़ी लोड में रह जाएगी फिर में जाएगी। ये ड्राइवर कितनों का ध्यान रखेगा? एक गाड़ियों का ध्यान रखेगा, एक गाड़ियों के ऊपर जो 5-6 लोग बैठते हैं, जो क्रेन मजदूर होते हैं, उसका ध्यान रखेगा कि गाड़ियों का ध्यान रखेगा? कितना ध्यान? अगर जाए जनता की यहाँ पर कोई टेम्पो और रिक्शा होती जिसमें से कुछ भी बाहर निकल, थोड़ा सा ही कुछ भी गुड्स बाहर निकला होता तो उसका 1000 का फाइन बन जाता अभी तक। ओहो, हमारी कंप्लेन के वहां से आए हो कि ऐसे ही आए हो? हमने कंप्लेन की थी कंट्रोल रूम में, इसलिए आए हो कि? हाँ, मैंने की थी। एडवोकेट मेहुल बोगरा, मुझे नहीं पता। ओके, मैंने कहा किया। मेरा कहना क्या है कि जो क्रेन है अभी ओवरलोड में चल रही है, इसमें गाड़ी की कैपेसिटी होती है 7, सभी गाड़ी के स्ट्रक्चर के बाहर सभी गाड़ियां रखी है, तो मेरा कहना ये नहीं, उन्हें वो तो चालू रखे, मेरी सेफ्टी के लिए। तो मेरा कहना है कि आप जो ओवर स्ट्रक्चर के बाहर जितनी भी गाड़ियां रखी है, ओवरलोडिंग है, वो सब निकाल दे, लोडिंग में गाड़ी रखे। हर एक का फाइन होना चाहिए जो नो पार्किंग में गाड़ी रखता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन आप जो ओवरलोडिंग में गाड़ियां रख के गाड़ी लेके जाओगे, एक तो जाए जनता की जान को जोखिम है अगर कोई टकरा जाए तो, ठीक है? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनकी ओवरलोडिंग में जो गाड़ियां है वो हटवाई जाए और फिर इनको इनलोडिंग में करके इसकी क्रेन को जाने दीजिए। हाँ, गाड़ी ज्यादा भरी, 14 गाड़ियां भरी। मैं एक अर्जी तो मैं करूंगा, लेकिन ये कोई इसमें अथड़ा जाएगा तो जाए जनता को कितना नुकसान हो, ये देखने वाली बात है। जो कि आपको ट्रैफिक में है नहीं, लेकिन ये ट्रैफिक को देखना, ये सेंस थोड़ी है। एक सभी गाड़ी को अंदर रखा जाता है, हाँ, इस सभी गाड़ी को अंदर रखा जाता है, इसमें 6 से 7 गाड़ियां आती है, इसमें 12-12, 13-13 गाड़ियां भर देते हैं, ठीक है? वायोलेशन होता है, उसका फाइन बनता है, लेकिन ये सब मनमानी थोड़ी चलती है। ये पूरी ओवरलोडिंग गाड़ी है। अभी हमारे सूरत में भी क्रेन चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलती, और ऐसे चले तो हम चलने भी ना दे, हम रास्ते में खड़ी रख दे सभी क्रेन। अभी बहुत सारी गाड़ी निकल गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियां है, तो 7 गाड़ियां सीधी रख दो, सिस्टम ही खत्म। गलत भाई, आप गाड़ियों बड़ी सीधी राखो, सीधी राखी दो, हाँ सीधी राखो ना, अभी तो ना भरो यार। आपकी गाड़ी कौन सी है? उतार दो। हाँ तो, हाँ हाँ, झगड़ा तो किस बात का है? कानून की बात है भाई, कि लॉ एंड ऑर्डर से सब कुछ चले, आपका भी उद्देश्य है मेरा। अभी ये सारी गाड़ियाँ
इनलोड हो चुकी है, सभी गाड़ियां अंदर, बोला गाड़ी बाहर है तो के भले रही, अंदर रखी हुई है, ठीक है ओके। पीछे से तो चलेगा, आउट स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चली गई सभी गाड़ियां अंदर, और यहाँ से सभी गाड़ियां अंदर, अब जाइए भाई। हाँ धन्यवाद, चलो इसका मेहमान, चलो जय हिंद, डीसीपी ऑफिस से होगा। चलो इसको कहते हैं इन ऑर्डर, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना।